आज मियाँ हम छोटे हैं पर कल का कुछ मालूम नहीं, किस पल क्या हो जाए अगले पल का कुछ मालूम नहीं। आज बड़े हैं जो भी वो सब के सब कल तक छोटे थे, हम भी कल हो जाएंगे कल का कुछ मालूम नहीं। सतसैया के दोहरे जूंव नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव लगे। अक्सर इस दोहे का प्रयोग कबीर के दोहों की प्रशंसा करने के लिए किया जाता है, लेकिन पहली बार इस दोहे का प्रयोग हम आपको म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप फंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए कर रहे हैं। दोहे का अर्थ है कि जैसे नावक आदिवासियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक हथियार जो एक नली की तरह होता है और जिसकी एक साइड में फूंक से दूसरे ओर से एक छोटा सा जहरीला तीर निकलता है और जो अपने टारगेट को पूरी तरह से घायल कर देता है, उसी तरह एक स्मॉल कैप यानी छोटी सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपके बड़े बड़े इम्पॉसिबल से लग रहे गोल्स को अचीव करवा सकते। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड्स जहां आप कर सकते हैं डेली SIP। जी हां, 10 म्यूचुअल फंड हाउसेस की 500 से भी ज्यादा स्कीम्स में कर सकते हैं डेली SIP। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें, करें आज ही डेली SIP। स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी भी प्लान को समझने से पहले हमें इस कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी ये वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में इस कैटेगरी को लेकर कुछ सवाल रह गए तो वही बात हो गई कि घर के मारे वन गए और वहां वन में भी लग गई आग। तो स्मॉल कैप कैटेगरी को पूरा समझने के लिए और बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो एंड तक। अगर हमें जानना हो कि स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती है, तो हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से सारी कंपनीज की एक लिस्ट बनाए। उस लिस्ट में से टॉप 250 कंपनीज मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो सबसे बड़ी 250 कंपनीज हैं, उन कंपनीज को हटा दें तो हमारे पास जिन कंपनियों के नाम बचे वो कंपनीज हैं स्मॉल कैप कंपनी। क्योंकि ये कंपनीज अभी छोटी हैं, इनमें ग्रोथ के बहुत अधिक चांसेस होते हैं, पर क्योंकि ये कंपनीज अभी छोटी हैं इनमें रिस्क भी होता है, क्योंकि अभी इनके बिजनेस मॉडल मैच्योर नहीं हुए हैं और कोई भी बड़ी कंपनी इन स्मॉल कंपनीज को खरीद सकती है, यानी कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाली कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स कहे जाते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। इस कैटेगरी में आज भारतवर्ष में 38 म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल है और आप स्मॉल कैप फंड्स में कर सकते हैं ₹100 की डेली SIP। जी हाँ, इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप कर सकते हैं SIP और जेड फंड्स के माध्यम से आप कुछ स्मॉल कैप फंड्स में कर सकते हैं डेली SIP। कौन सी हैं वो स्कीम्स जिनमें आप कर सकते हैं डेली SIP, आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और पता करें। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स के रिटर्न्स के बारे में। नजर डालते हैं इन कैटेगरीज के पिछले 3, 5 और 10 सालों के रिटर्न। आप इस ग्राफिक में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स के पिछले 3, 5 और 10 सालों का कैटेगरी रिटर्न देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तक आप स्मॉल कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझ चुके हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं बात जो इस वीडियो का टॉपिक है, यानी हम बात कर रहे हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ था, यानी इस म्यूचुअल फंड स्कीम का 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है और इस म्यूचुअल फंड स्कीम का आज AUM है 16,400 करोड़। आइए आप इस ग्राफिक में इस स्कीम के पिछले 1, 3 और 5 सालों की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में 30.19% का सालाना रिटर्न दिया। जी हाँ, तकरीबन 30% का सालाना रिटर्न। इस ग्राफिक में आप इस फंड के रिटर्न को और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न को देख सकते हैं। आइए अब इस फंड के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने परफॉर्म किया है SBI स्मॉल कैप फंड के मुकाबले। स्मॉल कैप फंड में मिनिमम एलोकेशन यानी 65% एलोकेशन होता है स्मॉल कैप कंपनीज में। ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड रेशियो है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 68% पोर्टफोलियो इस समय स्मॉल कैप स्टॉक्स में। इस फंड का 1 साल का 1% का एग्जिट लोड है। इस फंड का बीटा 0.7 है। अब ये बीटा क्या हुआ? बीटा का मतलब है, मान लीजिए मार्केट 1% ऊपर जा रहा है और आपके फंड का बीटा 0.7 है, तो आपका फंड 0.7% ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट 1% नीचे गिरता है तो फंड भी 0.7% ही नीचे गिरेगा। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का बीटा वन ऑफ द लोएस्ट है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में। ये इसलिए है क्योंकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर्स रिटर्न्स के साथ साथ पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी देखना चाहते हैं। इसके अलावा
फंड मैनेजर्स जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सेक्टर की केवल टॉप की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं फंड के सबसे बेहतरीन और सबसे डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस किस सालों में रही और कितनी आई। इस फंड ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन साल 2014 में किया था, जहां इस फंड ने डिलीवर किया था 84.33% का रिटर्न। वहीं इस फंड का सबसे डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा था साल 2018 में, जब इस फंड ने -8.94% का रिटर्न दिया था, यानी नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले 10 सालों में केवल एक यही साल है जब इस फंड ने साल दर साल नेगेटिव रिटर्न दिया। स्मॉल कैप फंड्स की श्रेणी में एक और फंड है जिसके बारे में हमसे कई बार पूछा जाता है, यह है SBI स्मॉल कैप फंड। तो आइए इन दोनों फंड्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सा फंड है आपके लिए सही। आप इस ग्राफिक में इन दोनों फंड्स के पिछले 1, 3 और 5 सालों का सालाना रिटर्न देख सकते हैं। क्लियरली एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने SBI स्मॉल कैप फंड को आउट परफॉर्म किया है। अब इस ग्राफिक में आप इन दोनों फंड्स का पिछले 10 सालों का सालाना रिटर्न देख सकते हैं। दिए गए ग्राफिक में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने जहां 2018 में -8.94 रिटर्न दिया था, वहीं SBI स्मॉल कैप फंड ने इसी साल में -19.62% का रिटर्न दिया था। यानी हाई बीटा वाले फंड्स जब तेजी में अच्छा रिटर्न देते हैं तो गिरावट में ज्यादा गिरते हैं। एक फर्क और है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप SIP और लमसम दोनों ही माध्यम से आज की डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि SBI स्मॉल कैप फंड में आप केवल महीने में SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और ₹25,000 से ज्यादा एक महीने में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस ग्राफिक में आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड दोनों की डेली NAV मूवमेंट देख सकते हैं, यानी दोनों फंड ने रिटर्न्स तो दिए हैं पर कितना उतार चढ़ाव आया है ये भी आप देख सकते हैं। यानी स्मॉल कैप फंड्स एक ऐसी कैटेगरी के फंड्स हैं जहां रिटर्न्स तो हैं पर बाजार का उतार चढ़ाव भी जबरदस्त है। यानी ये फंड्स उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो 4-5 साल या उससे अधिक अवधि तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आप इन स्कीम्स का रिस्कोमीटर भी देख सकते हैं, ये दोनों स्कीम्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की स्कीम्स हैं। पर कहते हैं ना, रिश्तों में है जुनून, दर्द भी है साथी, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड यही है जिंदगी सिखाती। तो अगर आप चाहते हैं एक एग्रेसिव हाई रिटर्न्स वाला पोर्टफोलियो और देने को तैयार हैं उसके साथ का रिस्क, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना एलोकेशन हो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड में और क्या कोई एक्सटर्नल पोर्टफोलियो है? जी हाँ, क्या आप अपने पोर्टफोलियो का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू चाहते हैं? तो आज ही डाउनलोड करें जेड फंड ऐप। जेड फंड पे ना सिर्फ आप वो इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं जो जेड फंड के माध्यम से कर रहे हैं, बल्कि आप वो पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं जो आपका जेड फंड्स के बाहर है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, अपने जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें और अपने एक्सटर्नल पोर्टफोलियो का भी पाएं कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।